हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देने वाला हूँ। गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट टू है। यदि आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप लोग पार्ट वन को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट वन तक हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कस कर सके थे, दैट इज द लंचियन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 से वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 पोएम दिया गया है, आप लोगों को इसके पोएट का नाम एंड पूरे पोएम का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आप इस मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आ गया कि पोएम का नाम लिखिए, पोएट का नाम लिखिए, उसके बाद आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, ओके। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को यह एस नहीं छोड़ना है, स्टॉप यस, ओके। आप लोगों को पूरा लिखना है द चिल्ड्रंस सॉन्ग, यदि आप स्टॉप यस छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। एंड आप लोगों को इनका स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्या नाम है, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, ओके। इनका नाम पूरा ये है, आप लोगों को यही पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ओके। यदि आप ऐसा कर देंगे जे आर किपलिंग तो आपका मार्क्स फिर कट जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा पूरा नाम याद कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ सकते हैं। तो देखिए, मेनली इस चैप्टर में आप लोगों को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, एंड मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड बुक में जो दिए गए हैं वो सारे आप लोगों को कर लेने हैं। तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो दोनों का करना है, उसके साथ साथ यदि हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट से ही आएगा, ओके। तो आप लोगों का ये वाला एक्सट्रैक्ट आ सकता है एंड ये वाला एक्सट्रैक्ट, ओके। दोनों एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल ये पूरा पोएम इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, पूरे पोएम को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद कोई भी एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, आप लोग उसका आंसर सही से लिख पाएंगे। आप लोग कहां से समझेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डीएवी क्लास एट इंग्लिश प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर के इंग्लिश प्लेलिस्ट पे किसी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ओके। सबसे बड़ी जरूरी होता है कि आप लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से समझें, चाहे वो पोएम हो चाहे वो टेक्स्ट हो, ओके। आप लोगों को पूरी तरह से चैप्टर को समझना पड़ता है, जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीच इंटेक्स से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ओके। 40 मार्क्स का लिटरेचर इस साल आने वाला है 2022 में, तो आप ही सोचिए लिटरेचर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने पहले बताया स्ट्रेटजी वीडियो में कि एक बार चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, फिर से एक बार चैप्टर को पढ़िए, इससे क्या होगा आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे, रिविजन भी हो जाएगा एंड चैप्टर भी आपका समझ में आ जाएगा आपको, ओके। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्रा, वो आ सकता है कि इस पोएम का थीम क्या है, तो बोल दिया जाएगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द चिल्ड्रंस सॉन्ग, ओके। आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, कितना में एक्सप्लेन करना होगा, मान लीजिए जैसे लंबा में दे दिया जाए, 5 मार्क्स में दे दिया जाए, तो 60 से 80 बार में आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करना होगा, ओके। एंड यदि आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन खुद नहीं खोज पा रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत सारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड दे दूंगा। यदि आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड चाहते हैं तो अभी कभी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख के बताइए, ताकि मुझे ये पता चल सके कितने बच्चे एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8। आप लोगों को इस पोएम का राइम स्कीम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है कि पोएम का राइम स्कीम क्या है। एंड यहां से देखिए चिल्ड्रेन सॉन्ग, यही थीम भी हो सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द चिल्ड्रेन सॉन्ग, या फिर क्यों इसे टाइटल दिया गया है द चिल्ड्रेन सॉन्ग, तो हॉर्स भी इसका इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग देखते हैं द केस ऑफ सार पाई ज्वेलर किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके बुक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बी में, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को बी का 1, बी का 3 एंड बी का 5 कर लेना है, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंसिडेंट ये सब आता नहीं है, फ्लो चार्ट ये सब जो दिया गया है ना ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बट यहाँ पर हॉर्स का जो फर्स्ट है ना ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में ये दिया जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि हमेशा एक क्रिमिनल जो है कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ करके चला जाता है, तो आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करना होगा द केस ऑफ सार पाई ज्वेलर स्टोरी के बेसिस पर। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ये भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि क्या आप क्या सोचते हैं कि मॉरिस ज़्यादा क्लेवर था या फिर अमेरिकन कस्टमर, दोनों के बीच में आपको कंपेरिजन करना होगा, उसके बाद आप लोगों को अपना ओपिनियन देना होगा कि ज़्यादा क्लेवर कौन था, ओके। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस ये बताइएगा कि ज़्यादा क्लेवर कौन था, मॉरिस ज़्यादा क्लेवर था या फिर जो
अमेरिकन था वो ज़्यादा क्लेवर था। अब कपलेट्स आ गया। अब देखिए कपलेट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करने आ सकता है कि आप लोगों को कोई भी दे दिया जाएगा दो लाइन, आप बोल दिया जाएगा कि आप लोग इसे एक्सप्लेन कीजिए। ओके, जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मैं बार बार देखिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले चैप्टर को समझना है। अब देखिए यहाँ पर जो बी है ना, बी से ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों क्वेश्चन का अपना ही अलग लेवल है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, तो जितने भी एक्सट्रैक्ट्स है ये आप लोगों को कर लेना है अच्छे तरीके से। ओके, एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। एंड मैं तो यही कहूँगा कि आपको पोएम में भी चैप्टर में भी पांच एक्स्ट्रैक्ट दिए गए, पांचों को समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में कहीं से भी आएगा आप लोग अच्छे से उसे कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज द अनडिजर्व्ड रिवार्ड। आप देखिए कपलेट्स चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कपलेट्स का मेनली थीम क्या है। तो आपको क्या करना होगा, छोटा छोटा करके ना पांचों कपलेट्स को लगभग 60 से 70 वर्ड में या फिर 100 से 120 वर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, ऐसा भी आ सकता है, आया भी है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अनडिजर्व्ड रिवार्ड किसके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद के द्वारा, याद रखिएगा इस चीज को स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैंने बहुत देर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपके यहाँ पे टिक करवा रहा हूँ। इस चैप्टर का आप लोग हॉट जरूर से जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड यहाँ से आप लोग ना लाइफ स्किल्स भी कर लीजिएगा एक। ओके, लाइफ स्किल्स भी कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है या आप क्या सोचते हैं कि जो नरेटर थे वो बलदेव के अच्छे फ्रेंड थे, ट्रू फ्रेंड थे या बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसमें आप लोगों को कमेंट करने को आ सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी आ सकता है कि बलदेव और जो नरेटर थे उनके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, आप लोगों के उनके फ्रेंडशिप को लेकर के क्या ओपिनियन है। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के इसके कैरेक्टर को आप लोगों को स्केच करने आ सकता है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा लिखना पड़ सकता है। और ये किस बेसिस पे आप लिखेंगे, आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, उसी बेसिस पे आप लोग इस चीज को लिखेंगे। एंड ये क्वेश्चन जो मैंने बताया स्केच द कैरेक्टर, ये आपके एग्जामिनेशन में जरूर जरूर आ सकता है। इसलिए आप लोगों को प्रेमचंद का, मतलब नरेटर का, उसके साथ साथ उनके फ्रेंड का, उनके बेटे का और उनके उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन सारे का अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, कैरेक्टर स्केच। बैंगल सेलर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। अब देखिए ये भी आप लोगों का एक पोएम ही है, तो पोएम में जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इसे कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं ही आपको दे दूँ तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा, जैसे मैं आपको पहले भी कहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो ही एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, दोनों एक्सट्रैक्ट को तो आप लोगों को कर लेना है। पहले हम लोग नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर से आ सकता है कि ये इसका क्या मतलब है। ओके, ये एक्सट्रैक्ट जो एक्सप्लेन करने आ सकता है या फिर इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो दो लाइन्स है ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसे आप लोग जरूर शुरू कर लीजिएगा। बेसिकली आपको चारों लाइन्स को अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, अब हम लोग लास्ट चैप्टर में आ गए हैं, दैट इज द बैड ड्रीम। ओके, बैड ड्रीम चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया डॉन ब्रायन के द्वारा, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और बैंगल सेलर्स में आपका थीम आ सकता है, मैंने बताना भूल गया था, तो आप लोगों का बैंगल सेलर्स में थीम आ सकता है, आप लोग जरूर जरूर थीम को कर लीजिएगा। बैंगल सेलर्स पोएम का क्या थीम है, सरोजनी नायडू जी क्या बोलना चाहती है, आप लोग जरूर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ओके, क्योंकि एक प्ले है इसी से एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एंड वो है कि क्या जो पुराने वर्कर्स होते हैं, पुराने सर्वेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा फेथफुल होते हैं या फिर एक नया वर्कर ज़्यादा अच्छा होता है, इस पर आप लोगों को कमेंट करने को आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैंने आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको आगे के पास का भी लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, हम लोगों ने इसे दो पार्ट्स में डिस्कस किया है। यदि आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा था तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से आप लोग पिछला पार्ट जरूर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूँ वो प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके बताता हूँ। यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मेंबरशिप का प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है, तो यदि आप चाहें तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट ला देता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।